मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल पास्ता, और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पास्ता, एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ, एक मीडियम साइज़ की गाजर पतली लंबी कटी हुई, एक शिमला मिर्च पतली लंबी कटी हुई, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक चम्मच टोमेटो सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 3 कप पानी, और पानी को अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी उबलने लगे तो हम इसमें पास्ता डाल देंगे, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच तेल डालकर इसे हम पास्ता में मिलाएंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे और पास्ता को हम उबलने देंगे। बीच बीच में पास्ता को हम 1 से 2 बार चला भी देंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। पास्ता को उबलते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। और पास्ता बनाने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को चलाते हुए हम भूनेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा भुन जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को भी हल्का सा हम भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर को हमने पीस कर तैयार कर लिया था। और टमाटर की प्यूरी में हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और सभी चीज़ों को हम मिला देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर। इसे भी हम टमाटर में मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इन्हें हम ऐसे ही पकाएंगे, क्योंकि सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियाँ भी हल्की हल्की गल गई हैं और टमाटर भी अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस।
एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, और सॉस को हम पास्ता में मिला देंगे। अब हम पास्ता को ढक के रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जितने भी फ्लेवर हैं पास्ता में अच्छे से अंदर तक जाएं। और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। 2 मिनट बाद इसे हम खोलकर फिर से एक बार चलाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और पास्ते को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। पास्ता की रेसिपी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।